लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन से संबंधित कुछ टिप्स लेके आई हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स जो बहुत काम की होती हैं। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने नियर एंड डियर के संग शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। ये टिप्स है दाल को लेकर। दाल अक्सर हम मार्केट से कभी कभी ज्यादा ला के रख देते हैं, काफी टाइम बाद उसमें कीड़े या झाले से पड़ने लगते हैं, तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक टिप्स है। आप 3-4 ऐसे तेज पत्ते ले लें और दाल में ऐसे मिक्स कर दें ऊपर नीचे, और इसको ऐसे टाइट बंद कर दें, तो इससे हमारा दाल काफी दिन तक सेफ रहेगा और उसमें कीड़े और झाले नहीं पड़ेंगे। इसके लिए एक टिप और है कि आप तेज पत्ते की जगह मिर्ची भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी इसमें झाले और कीड़े नहीं पड़ेंगे। ड्राई फ्रूट को लेकर, ड्राई फ्रूट अक्सर हम मार्केट से लेके आते हैं तो हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, कुछ दिनों बाद वो खराब होने लगता है। उसको हम ठीक रखने के लिए क्या करें, पहले तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर डिब्बे में रख कर और ऐसे अच्छे से बंद कर आप इसको फ्रिज में रखें। इससे भी हमारा ड्राई फ्रूट काफी दिनों तक ठीक रहेगा, ये मतलब खराब नहीं होगा। और दूसरा टिप हमारे पास ये है, अगर आपको फ्रिज में रखना नहीं पसंद है तो आप इसको हल्का सा देसी घी में हल्का सा फ्राई करके फिर आप बाहर भी इसको किसी डिब्बे में अच्छे से बंद करके रखें, तो भी आपका ड्राई फ्रूट काफी दिनों तक चलेगा। टिप से है अदरक को लेकर। अक्सर अदरक हम लोग चाकू से ऐसे छीलते हैं, आप चाकू से ना छील के आप चम्मच का ये जो पोर्शन है आप इससे छीलिए। इससे क्या होगा, इसका छिलका ही निकलेगा और नीचे का पार्ट नहीं निकलेगा। इससे क्या होगा कि हमारा अदरक अच्छा से छिल जाएगा। ऐसे देखिए, ऐसे ये टिप्स है हनी को लेकर। हनी तो लगभग सभी के घरों में होती है, पर कभी कभी क्या होता है इसमें चींटियां आ जाती हैं, इसे हमें बहुत परेशानी होती है। तो इसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, आप 7-8 काली मिर्च ले लें। काली मिर्च को आप इस हनी में ऐसे डाल दें और इसको अच्छे से बंद करके टाइट रखें। ध्यान रखें कि अगल बगल कहीं हनी लगे ना रहे, और इसके ढक्कन को हमेशा क्लीन रखें, इससे इसमें चींटियां नहीं आएंगी। टिप्स है दूध को लेकर। अक्सर दूध हम उबालते हैं तो नीचे पेनी में लग जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे पहले, फिर इसके बाद दूध डालेंगे। फिर आप इसको बॉयल करिए तो आपका नीचे पेनी में दूध नहीं लगेगा और दूध अच्छे से उबलेगा। से हरे मिर्चों को लेकर। कभी कभी मार्केट से ज्यादा मिर्ची आ जाती है और काफी दिन तक हम ऐसे रख देते हैं तो मुरझाने से लगते हैं और मिर्ची खराब होने लगती है और सूखने लगती है। उसकी फ्रेशनेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसके सारे ये वाले पार्ट को अच्छे से तोड़ देंगे। मिर्ची को अच्छे से धो लें, मैंने धो लिया है, सारी मिर्ची के पार्ट को ऐसे तोड़ लेंगे। ये मैंने सारे पार्ट को इसका ये वाले पार्ट को सारे मिर्ची के पार्ट में ये वाले पार्ट हटा दिए हैं। अब मैंने एक ऐसा एयर टाइट डिब्बा लिया हुआ है, फिर इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा नेपकिन बिछा देंगे नीचे से और सारी मिर्ची अपना इसमें अच्छे से ऐसे रख देंगे और ऊपर से ऐसे टिश्यू पेपर लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी मिर्ची काफी दिन तक फ्रेश बनी रहेगी, इसकी फ्रेशनेस बनी रहेगी, ये काफी दिन तक 10 से 15 दिन तक आपकी मिर्ची हरी बनी रहेगी। ये टिप्स है सूजी को लेकर। सूजी कुछ दिनों बाद खराब होने लगती है, उसमें झाले से पड़ने लगते हैं, तो उसके लिए हमारे पास टिप है, पहले से आप इसको एयर टाइट डिब्बे में
बंद करके फ्रिज में रखें। उससे हमारा सूजी काफी दिनों तक सही रहता है। और दूसरा टिप ये है कि आप इसको हल्का सा फ्राई करके घी में या तेल में आप इसको टाइट डिब्बे में बंद करके रखें, उससे भी हमारा सूजी काफी दिनों तक चलता है।